सिवान में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जो कि सिवान पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। वहीं आज चोरों ने करमलीहाता के रुस्तम खान के घर पर 2 बजे के करीब लाखों रुपए की चोरी कर भागने में सफल रहे। रुस्तम खान ने बताया कि चोरों ने 3 मोबाइल, 80,000 रुपए नकद सहित जरूरी कागजात चोरी कर ली और जब लोगों ने शोर मचाया तब तक चोर भाग निकले। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। सिवान के न्यायालय कैंपस में न्यायाधीश के नेतृत्व में लोक अदालत के द्वारा कई तरह के कैंप लगाए गए, जिसमें स्वास्थ्य, बैंक, इंश्योरेंस और भी कई तरह के कैंप लगाए गए थे। स्वास्थ्य को लेकर मुफ्त जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें शहर के कई प्रसिद्ध चिकित्सकों ने मुफ्त जांच किया और परामर्श भी दिया। वहीं सामाजिक सेवा में तत्पर लायंस क्लब सिवान ने मुफ्त जलपान की व्यवस्था भी की थी। JDH यूनानी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनका कहना था कि ये लोग कई बार प्रबंधन समिति से इस संबंध में बात किए पर सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं हड़ताल पे बैठे स्टाफ ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम हड़ताल पे ही रहेंगे और कार्य ठप रहेगा। ऐसी स्थिति में कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मुश्किल की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि छात्रों ने बताया कि बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है, ऐसे में हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। सिवान के एक निजी होटल में जिला जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव किया गया था, जिसमें निर्विरोध फिर अध्यक्ष पद पर इंद्रदेव पटेल को चुन लिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सिवान की सांसद कविता सिंह सहित जदयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कलवार सेवा समिति के द्वारा सूरज मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर कलवार दर्पण पुस्तक विमोचन भी किया गया और साथ ही साथ कई लोगों को सम्मानित भी किया गया।